हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर आप बात करेंगे एचआरसीटी हो तो क्या है, इसके अंदर क्या क्या आप मेथड्स यूज करते हैं, क्या इसके अंदर आप कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं पेशेंट को, ये सारी चीज़ें ना आप इसे एक छोटी सी वीडियो के अंदर आप कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्ट नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछना चाहो तो आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपनी वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ आ रहा है एचआरसीटी। आपने कुछ इस तरह से देखी होगी, जैसे इसमें अंदर ये पेशेंट अपने को ट्यूबरक्लोसिस के दिख रहे हैं। ये देखिए गाइस, इसमें ट्यूबरक्लोसिस का ये पेशेंट है, तो इस टाइप उन केसेस के लिए फिर आप एचआरसीटी करते हैं। तो यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है एचआरसीटी। एचआरसीटी की फुल फॉर्म क्या है? हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। कई बार कन्फ्यूजन ये हो जाती है इसके अंदर, कुछ बच्चे या फिर कोई भी बोल देता है हाई रेजोल्यूशन की जगह इसमें ना रेडिएशन बोल देता है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ रेडिएशन नहीं रेजोल्यूशन होगा। क्या होगा? रेजोल्यूशन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो चलिए गाइस, इसके अंदर होता क्या है, ये कई बार एक दो नंबर में आपसे डेफिनेशन भी पूछ लेता है, आप रेजोल्यूशन और रेडिएशन में कन्फ्यूज ना होना। हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, यहाँ इसके अंदर होता क्या है? तो यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है इसके अंदर इमेजिंग ऑफ लंग्स। मतलब एचआरसीटी के अंदर आप लंग्स की इमेजिंग करते हैं, मतलब चेस्ट रीजन की इमेजिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर बेसिक चीज़ें क्या होगी, डायग्नोसिंग एंड मैनेजिंग मैनी पल्मोनरी डिजीज़। अगर पेशेंट में कोई भी पल्मोनरी डिजीज़ है तो उसको डायग्नोस और उसको मैनेज करने के लिए, उसको एवोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, आप एचआरसीटी करेंगे। देन अगर बात की जाए एचआरसीटी करने से पहले, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो भी एचआरसीटी कर रहा है उसको प्रॉपर एनाटॉमी की नॉलेज होनी चाहिए, पैथोफिजियोलॉजी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसको ना बेसिक्स फिजिक्स और उसके जो क्या क्या टेक्निक्स अपन यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके अंदर मेथड्स है एक्विजिशन की, ये सारी चीज़ें जो भी टेक्नीशियन है उसको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए, ताकि अपने को एचआरसीटी की प्रॉपर इमेजेस मिल सके। देन अगर बात की जाए एचआरसीटी, सिंपल से बात करते हैं आप, ये देखिए गाइस हाई रेजोल्यूशन का क्या मतलब है। यहाँ देखो, जैसे अभी आप घर में बिस्किट्स लेके आते हैं, ये गुड्डे वाले लेके आते हैं, तो जैसे एक बिस्किट है इसके अंदर ये काजू वगैरह हो गए, तो सेम लाइक दैट आप लंग्स की आप इमेजिंग करते हैं। एक बिस्किट को आप मानते हैं एक स्लाइस है, लेकिन वो स्लाइस ना कितनी है, हो सकता है वो 5 mm की है। तो 5 mm की है, जैसे बिस्किट 5 mm का है, तो उसके अंदर कई बार क्या होता है काजू या कोई भी चीज़ें उसके अंदर रह जाती है, अपने को दिखती नहीं। लेकिन वहीं अगर इसको आप 1.5 mm या 1 mm के आप स्लाइसिस काट देंगे, तो इसके अंदर जो भी अपने को डिफेक्ट वगैरह देखने को मिलेगा वो प्रॉपर दिख जाएगा। मीन्स क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी वहाँ। तो वही सेम चीज़ है ना, बिस्किट को अगर आप पतली पतली उसके बाइट्स, उसको प्लेन्स काट देंगे उसके अंदर जिस शेप में है वो, तो फिर अपने को जो भी उसके अंदर जो मटेरियल है वो बिल्कुल अच्छी तरह दिख जाएगा। तो सेम लाइक दैट ये होता है। देन अगर बात की जाए यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरसीटी, एचआरसीटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटेक्ट करेक्टराइज एंड डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिजीज दैट इन्वॉल्व द लंग पैरेन्काइमा एंड एयरवेज। लंग पैरेन्काइमा और एयरवेज के अंदर कोई भी डिजीज है, कोई भी अबनॉर्मलिटी, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको करेक्टराइज करने के लिए और उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसके बाद फिर उसको जो भी स्टडी रहती है उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको दवाइयाँ वगैरह दे देंगे। देन अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आ रहा है इट यूजेस थिन स्लाइसिस 1.5 mm स्लाइस थिकनेस। इसके अंदर आप स्लाइस थिकनेस यूज क्या करते हैं 1.5 mm के, इसके अंदर मतलब थिन स्लाइसिस का यूज होगा। सिंपल के अंदर आप थिक स्लाइसिस का यूज कर सकते हैं, लेकिन एचआर के अंदर थिन स्लाइसिस का यूज होगा। देन उसके बाद अपना हाई स्पेशल फ्रिक्वेंसी रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम का यूज करेंगे और इसको आप फुल इंस्पिरेशन पर एक्वायर करेंगे और पेशेंट होगा अपना सुपाइन पोजिशन के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन इंडिकेशंस, इसके कुछ इंडिकेशंस की अगर बात की जाए, इवेल्युएशन ऑफ नोवन और क्लिनिकल सस्पेक्ट डिफ्यूज लंग डिजीज, कोई भी लंग डिजीज है तो उसके इसके अंदर, या फिर कोई भी एयरवेज का कोई भी डिजीज अपने को देखने को मिलेगा तो उसके इसके अंदर आप थिन स्लाइसिस का यूज़ करके कोई भी उसका ट्यूमर वगैरह देखने को मिले, या फिर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हो गए, टीबी वाले या कोविड वाले पेशेंट्स हो गए, तो उसके इसमें अपने को थिन स्लाइसिस का यूज़ करेंगे। देन उनको जो अपन क्या क्या था, ये जो लंग डिजीज़ की बात की थी उनको अपने को जो जैसे अभी फर्दर एवोल्यूशन मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी अपन सीटी एचआरसीटी यूज करते हैं। जैसे आज पेशेंट की होगी तो उससे 2 या 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, जो भी जिस टाइप का डिजीज है उसके अकॉर्डिंग अपन यूज कर सकते हैं। देन एक चीज़ और है उसके अंदर गाइडेंस मेथड के लिए, बायोप्सी या फिर पेशेंट की हो रही है ना, तो उसके इसके अंदर अपने को पूरी प्रॉपर साइट चेक करने के लिए आप इसका यूज करते हैं एचआरसीटी का। देन अगर बात की जाए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कोई खास कॉन्ट्रा इंडिकेशन अपने को देखने को नहीं मिलेगा एचआरसीटी के अंदर, लेकिन एक जो मेन रीजन है वो है बेनिफिट वर्सेस रिस्क। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिस्क बेनिफिट और रिस्क का हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो पेशेंट को अपन हमेशा बेनिफिट देखेंगे, लेकिन रिस्क क्या है, रेडिएशन का रिस्क है। एचआर के अंदर तो अपने को ज़्यादा रेडिएशन दे रहे हैं, लेकिन उससे अपने को बेनिफिट क्या मिल रहा है, अपन उस बेनिफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे।
देन अगर बात की जाए तो बात आ रही है यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सोनल्स, मतलब जो भी रेडियोग्राफर जो भी रेडियोलॉजिस्ट है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले अपने को सारे इंडिकेशंस उसको रिव्यू करने होंगे, उसके बाद अब उसको प्रॉपर स्पेसिफाई करना होगा कि टेक्निकल फैक्टर्स अपन जो भी फैक्टर्स अपन यूज़ करें वो प्रॉपर यूज़ हुए हैं कि नहीं। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट का ध्यान काम होगा ये। उसके बाद मॉनिटरिंग और मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ इमेज, ये अपने रेडियोग्राफर का काम होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। देन अगर बात की जाए मस्ट गो थ्रू मैनी एनाटॉमिक सर्कुलर मैनिफेस्टेशन, अगर अपने को कोई भी डाउट वगैरह आए सस्पेक्ट है पेशेंट, तो अपने को रेडियोलॉजिस्ट से आप रेडियोग्राफर तो अपने रेडियोलॉजिस्ट एक बार डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि प्राइमरी काम रेडियोग्राफर को इमेजिंग देखना ही होगा। लेकिन वो डायग्नोस नहीं करेगा, बताएगा नहीं, लेकिन उसको बेसिक नॉलेज होगी तभी तो वो प्रॉपर इमेज को देख पाएगा और अपने रेडियोलॉजिस्ट से पता कर लेगा कि हाँ जी सर इसको ये दिक्कत है। देन अगर बात की जाए तो पेशेंट को प्रॉपर ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शंस दे देनी है आपको, ताकि अपने को हाई क्वालिटी की इमेज मिल सके और मोशन फ्री इमेज मिल सके। ठीक है गाइज, क्योंकि कई बार क्या होता है पेशेंट सांस प्रॉपर नहीं रोक पाता, उस टाइम अपन इमेज ले रहे तो वो फिर अपने को ब्लरनेस डिजीनेस ही देखने को मिलेगी, तो उस चीज़ को अपने को अवॉइड करना है बिल्कुल ही। देन अगर बात की जाए स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एग्जाम, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम, आपको ये चीज़ रखनी होगी हमेशा पेशेंट के पास रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। जो भी उसकी जो डिटेल वगैरह होगी वो आपको रिटर्न फॉर्म में चेक कर लेनी है, रिटर्न में है कि नहीं, एचआर सीट लिख रखी है क्या, पेशेंट की हिस्ट्री है, हो सकता है क्या पता सीईसीटी लिख दे, या फिर हो सकता है एनसीसीटी देखने को मिले। तो एचआरसीटी प्रॉपर आपको चेक कर लेनी कि हाँ उसमें जो रेफरल फॉर्म है उसके अंदर एचआरसीटी है, क्या क्या उसके डिजीज है, क्या उसकी हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें आपको पता कर लेनी है एक बार। देन अगर बात की जाए टेक्निकल फैक्टर्स, तो टेक्निकल फैक्टर्स के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है रेडिएशन एक्सपोजर फैक्टर एमएस और केवीपी का अपने को प्रॉपर ध्यान रखना होगा। देन उसके बाद अगर बात की जाए कोलिमेशन की, तो उनको प्रॉपर कोलिमेशन का यूज़ करेंगे अपन, जो भी अपना जो प्रोसीजर वगैरह होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। देन बात की जाए टेबल इंक्रीमेंट और पिच गैंट्री रोटेशन टाइम, और जो ये टेबल पिच हो गई या गैंट्री रोटेशन अब इसके अंदर पिच के अंदर इंक्लूड करें, तो आपको पिच का प्रॉपर ध्यान रखना 1.5 अब हम बेसिकली रखेंगे, और जो हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन मैट्रिक साइज FOV, जो भी FOV या फिर बोल सकते हो जो भी आप स्काउट वगैरह सेलेक्ट करें वो आपको प्रॉपर आउट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद विंडो सेटिंग अपने को प्रॉपर करनी होगी विथ और सेंटरिंग की। उसके बाद अपने को रिकंस्ट्रक्ट एल्गोरिथम्स को प्रॉपर यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी डिस्प्ले पे इमेज आएगी उसको फिर आप फर्दर क्या होगा अपने को ट्रांसफर से फिर उसको आप कौन से में करेंगे, कोर और साइज में करेंगे, तो उसके लिए भी अपने को डिटेक्ट उसका पूरा एल्गोरिथम का यूज़ करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम बोलते हैं उसको। देन अगर बात की जाए डिटेक्टर्स कॉन्फ़िगरेशन, अपने को डिटेक्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन तो अपने को प्रॉपर रखनी होगी मशीन की, वो ऑटोमेटिक अपना जो भी होगा वो रख देगा, जो इंजीनियर है वो अपने को जो प्रॉपर सेट करके जाता है। देन अगर बात की जाए AEC ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल और इमेज क्वालिटी का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, और अगर कोई भी आपको डाउट वगैरह दिखे इमेज क्वालिटी या आर्टिफैक्ट्स वगैरह देखने को मिल रहे हो, तो आप तुरंत अपने जो भी सीनियर जो इंजीनियर है उसको आप कॉल करें या फिर उसके लिए रिक्वेस्ट डाल दें, ताकि उसका जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकल सके। देन अगर बात किया जाए अपने को रिफॉर्मेट इमेज में MPR, ये कर्वीलिनियर, MIP, मिनी IP, एक्सियल कोरोनल सेज, और ये एक्सियल अपने को ये चीज़ ध्यान रखना है। रिकंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अपना जो भी सॉफ्टवेयर होगा रिकंस्ट्रक्ट इमेज व्यूअर अपने को देखने को मिलेगा, उसके अंदर ये सारे अपना सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ये सारा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। देन एक्सियल और हेलिकल एक्विजिशन अपने को एक्सियल मोड के अंदर हमेशा रखनी है, आपको सिंगल स्लाइस के अंदर नहीं रखनी, सिंगल मोड के अंदर अपने को एक्सियल मोड के अंदर रखनी है। प्लेन में रखोगे तो प्रॉपर इमेज नहीं आएगी, एक्सियल में जो भी अपन उसको रिकंस्ट्रक्शन करेंगे ना, तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन में अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। देन अगर बात की जाए ऑप्टिमल HRCT प्रोटोकॉल्स, तो प्रोटोकॉल्स के अंदर आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है ट्यूब पोटेंशियल और ट्यूब करंट MS और KVP का आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। उसके बाद पेशेंट सेफ्टी मिनिमाइज डोज, जो जिस टाइप का पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको डोज सेलेक्ट करनी है, अगर बच्चा है तो कम, अगर एडल्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेशेंट हेल्थी है किस टाइप का पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डोज को यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रॉपर पोजीशनिंग, अगर आप प्रॉपर पोजीशनिंग करेंगे तो अपना पेशेंट के लिए क्या होगा डोज से भी बचेगा, क्योंकि प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं होगी तो अपने को रेडिएशन ज़्यादा देनी पड़ेगी और हो सकता है क्या पता है रिपीट स्कैन करना पड़ जाए जो भी है, और उसकी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन डिग्री ऑफ रेडिएशन डोज, आप कितनी रेडिएशन दे रहे हैं उसको आपको ध्यान रखना है, जो पिच वगैरह सारी अपने को वैल्यू एडजस्ट करनी है, जो पहले आप जो टेक्निकल फैक्टर्स की बात की थी ना, तो उन सब चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है। देन अगर बात की जाए इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन, तो इमेज थिकनेस आप 1.5 mm या फिर एम उसे नीचे ही रखेंगे। देन अगर बात करते हैं एल्गोरिथम बोन विंडो का यूज़ करेंगे, इसके अंदर मेनली मेडिसिनम का भी अपन यूज़ करेंगे देखी उसके अंदर, और हाई स्पेशल फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाएगा जो भी अपना जो एल्गोरिथम ये सॉफ्टवेयर का काम है। और यहाँ एक्सियल मोड अवेलेबल होगा सिटी स्कैनर के अंदर, एक्सियल मोड के अंदर यूज़ करनी है। ठीक है गाइज, देन अगर बात करते हैं रेडिएशन सेफ्टी, तो रेडिएशन सेफ्टी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने आप में। तो सबसे
ये रेडिएशन सेफ्टी के अंदर एक तो सबसे बड़ा रूल है अलारा प्रिंसिपल, एज लो एज रीजन एबली अचीव एबल, मतलब कम से कम डिस्टेंस, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस, कम से कम टाइम और प्रॉपर शील्डिंग, आपको ये चीज़ याद रखनी है। फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल, जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, अपना गेट में लेड लेड का जो शील्डिंग अपने को देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ जो भी अपने को वहाँ लेड ग्लास लेड शील्डिंग सारी चीज़ देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें अपने अलारा प्रिंसिपल के अंदर आ रही है। लेकिन ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात की जा रही है तो उसके अंदर आपको एक बार जो रूम सेफ्टी है ना उसको भी आपको ध्यान रखना है। अलारा का पेशेंट सेफ्टी के अंदर बेसिकली आप यूज़ करते हैं, लेकिन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में आप जो भी वायरिंग वगैरह का आपको चेक करना है, कोई भी वहाँ मिस इंटरप्रेट ना हो, सॉफ्टवेयर वगैरह चेक कर लेना है, जो भी अगर आप अपने ईसीटी जनरेटर वगैरह पर चलते तो वो सारी चीज़ें आप एक बार आपको चेक कर लेनी है ताकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दिक्कत ना हो। और एक चीज़ और, इसके अंदर आप कॉन्ट्रास्ट का यूज़ नहीं करते, कई बार क्या होता है ये इसमें कंफ्यूजिंग होती है तो आप कॉन्ट्रास्ट यूज नहीं करते ताकि अपने को अगर कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे तो उसके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स वगैरह देखने में अपने को ज्यादा दिक्कत होगी। तो आज के वीडियो में इतना गाइस, ओके थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डायरेक्ट अपना इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।